नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर में आपका स्वागत है। यूं तो खबर कल से जुड़ी है, पर अपने स्वरूप और महत्व में इतनी व्यापक है कि इसके परिणाम सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी मामलों पर आने वाले कई सालों तक रहेंगे। खबर है 118 ऐप्स के बैन होने की। पहले वाली ऐप्स के बाद अब बैन ऐप्स की संख्या बढ़कर 224 हो गई है, जिसमें 17 करोड़ भारतीयों द्वारा खेले जाने वाला ऑडियो वीडियो वॉर गेम पबजी मोबाइल भी शामिल है। इस गेम से चीन की होने वाली कमाई के आंकड़े पब्लिक नहीं किए जाते, पर अनुमान लगाया गया है कि ये राशि 10 बिलियन से अधिक हो सकती है। ये वही खेल है जिसने कितने ही लोगों की जान ले ली। इसके बावजूद भी इस गेम पर बैन को डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर क्या जरूरत थी ऐसा किए जाने की? आज हम इसी पर बात करेंगे। आखिर कैसे चीन हमारे बाजार में इतनी बड़ी घुसपैठ कर पाया और क्यों अब हमें इन चीनी सेंधमारी वाली ऐप्स को बैन करना पड़ा? सबसे पहले आपको अब से 15 साल पीछे लिए चलते हैं, साल 2005 के आसपास। 1991 के उदारीकरण के बाद अब दुनिया भर में भारत के सेवा बाजार ने धूम मचा रखी थी। भारत में खुद की HCL, इंफोसिस जैसी टेक कंपनीज थी। भारत के IT प्रोफेशनल्स दुनिया भर में हल्ला कर रहे थे। भारत को IT सेवाओं का सस्ता बाजार कहा जा रहा था और तब तक चीन अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा था। IT सर्विसेज में चीन का दुनिया के बाजार में रसूख तो छोड़िए, कोई नाम तक न था। तब का भारत IT सेवाओं में चीन से कहीं आगे था, पर आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन चुकी है। पिछले कुछ महीनों तक सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों द्वारा यूज़ की जाने वाली टॉप 10 ऐप्स में से 5 चीनी थी। फरवरी में प्रकाशित गेटवे हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी इन्वेस्टर्स ने भारत की कंपनीज में $4 बिलियन तक का निवेश कर रखा है। भारत के 30 सबसे बड़े स्टार्टअप्स में 18 में चीनी पूंजी लगी है, यानी कि 60%, जिसमें से कुछ बड़े नाम जैसे पेटीएम, ओला, ओयो, बायजू तक शामिल है। भारत के बाजार में चीनी मोबाइल फ़ोन ओप्पो, Xiaomi का शेयर 72% तक है। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? भारत का IT सेक्टर जो चीन से कोसों आगे था, वो आज चीन के सामने घुटने क्यों टेक गया? दरअसल इसमें कमियां हैं भारतीय प्रशासन की व्यवस्था की, और यही एक एडवांटेज है चीनी शासन व्यवस्था में। साल 2005 के दौरान जब हम गर्व से फूल रहे थे, तब चीन ने इस नए खुले क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया। अगले कुछ सालों में चीन ने अपने देश की बड़ी कंपनियों को फ्री हैंड दिया, उद्यमियों को संसाधन दिए और दुनिया भर की कंपनियों को चीन में आकर सस्ता उत्पाद करने का प्रलोभन भी दिया। FDI नॉर्म्स को सिंपल किया गया और कामगारों को सुलभता प्रदान की गई। दुनिया भर की सब बड़ी कंपनियां अगले कुछ सालों में चीन जा चुकी थी, पर इसके साथ ही चीन ने अपने बाजार में तानाशाही चलाते हुए अपने देश में फेसबुक, गूगल, ट्विटर को बैन कर दिया। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों ने 120 करोड़ के बाजार को ना खोने के डर से चुप्पी साध ली। इसके बाद चीनी कंपनी अलीबाबा, टेंसेंट, बाइटेंडेंस ने अमेरिकी टेक फर्म्स का मॉडल कॉपी कर इसे अपने देश में लागू किया। सबने सुना है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता को जब चीनी पूंजी का साथ मिला, तो नए मंथन से बड़े इनोवेशन हुए। टिकटॉक, पबजी, वीचैट जैसे हजारों ऐप्स अस्तित्व में आ गए। ज़्यादातर को टेंसेंट, बाइटेंडेंस और अलीबाबा ने फंड किया, जिन्हें बैट नाम से जाना जाता है। चीन के बाजार में भी 90% टेक हिस्सेदारी बैट की ही है। एक और जहां फेसबुक, गूगल, ट्विटर अमेरिकी होते हुए भी यूजर्स की जानकारी छिपा कर रखती हैं, वहीं ये तीनों कंपनी पूरी तरह तानाशाही चीनी सरकार के अधीन काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी चाल में मस्त एलिफेंट इंडिया उस दौरान 2G स्कैम में लगा रहा। उस दौरान सरकार ने इनोवेशन और स्टार्टअप एनवायरमेंट को पनपाने का प्रयास ना तो सरकारी स्तर पर किया और ना ही प्राइवेट प्लेयर्स को वो माहौल दिया कि वो कुछ हिला पाते। दरअसल इस तरह के नमोनिवेश के लिए जिस इनिशियल पूंजी और सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, उसे भी चीन की इन्हीं तीन कंपनी यानी बैट ने भारत में लगाया। उसी का परिणाम है कि आज पेटीएम में अलीबाबा के $400 बिलियन, ओला में टेंसेंट और अन्य तीन चीनी कंपनियों के $500 मिलियन, ओयो में चीनी सॉफ्टबैंक के $100 मिलियन, स्नैपडील में अलीबाबा के $700 मिलियन, जोमेटो में अलीबाबा के $200 मिलियन, स्विगी में टेंसेंट के $500 मिलियन, ड्रीम 11 में टेंसेंट के $150 मिलियन, फ्लिपकार्ट में टेंसेंट के $300 मिलियन, बायजू में टेंसेंट के $50 मिलियन लगे हैं। इसका कारण यही है कि उन उद्यमियों को भारतीय बाजार से पैसा नहीं मिल पाता, और चीनी कंपनी इनकी मदद तब करती हैं जब ये स्टार्टअप्स कर्जे में डूब चुके होते हैं। जिसका ताज़ा उदाहरण ये है कि वित्त वर्ष 2019 में जब पेटीएम को 3,690 करोड़ रुपए और फ्लिपकार्ट को 3,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तब इनकी सहायता भारत ने नहीं बल्कि चीनी कंपनियों ने की थी, और बदले में चीनी कंपनियों ने इनमें एक अच्छी खासी हिस्सेदारी ले ली।
इसका मतलब ये हुआ कि या तो चीन अपनी खुद की ऐप से भारत में टेक्निकल स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा था, या फिर भारतीय बाजार की बड़ी ऐप्स पर पूंजी के माध्यम से कब्जा करके वो ऐसा ही दोहरा रहा था। हालांकि मोदी सरकार ने शुरुआती वर्षों के दौरान स्टार्टअप्स इंडिया, डिजिटल इंडिया के नाम से अच्छा खासा माहौल बनाया, पर इसके मार्केटिंग में कभी न चुकने वाली मोदी सरकार भी इन योजना के कोई ठोस परिणाम आज तक नहीं दिखा पाई है। पर आज जब 224 ऐप्स बैन होने के बाद उत्पन्न हुई आवश्यकता को भरने की ज़रूरत है, तो उसे सरकार की पूंजी का सहारा ही आविष्कार में बदल सकता है। मजे की बात यह है कि चीनी सामान खरीदने पर खर्च किया गया पैसा सरकारी आंकड़ों में तो आता है, पर इन चाइनीज ऐप्स में देश का कितना पैसा जाता है ये आंकड़ा चीनी ऐप्स जारी नहीं करती। भारतीय मीडिया का एक बड़ा धड़ा इसे करारा जवाब साबित करने में मशगूल है, तो दूसरा ऐप्स बैन पर मीम बना रहा है। बेशक इस बैन से चीनी कंपनियों को झटका लगता है, पर वो दूसरे रास्तों से भारतीय बाजार में पैंठ बनाना शुरू कर देते हैं। तो भाई मेरे, जागरूक होइए, ऐसे निर्णयों में पूरे देश के साथ की ज़रूरत होती है। चीनी सामान का बहिष्कार करिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी हो, होलियाँ जलाइए, और इसके लिए किसी और सैनिक की चीनी सीमा पर होने वाली शहादत का इंतज़ार मत करिए। और हाँ, सरकारों के गिरेबान भी खींच कर रखिए, क्योंकि राजनीति आखिर राजनीति है, फिर उसे कोई कर रहा हो।